10 साल मेरी जॉब को हो गई है, और 10 साल में मैंने एक चीज देखी कि एक सरकारी नौकरी से हम सपने पूरे नहीं कर सकते जी। क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग रहे जी, कोई खानदानी बहुत पहले रईस नहीं रहे जी। तो इससे एक अपना काम चल सकता है, जो कहते हैं ना दाल रोटी का गुजारा अपने बच्चों का कर लिया, वो हो सकता है। लेकिन जब इस कंसेप्ट में मैं आया करीब 1.25 साल पहले, 1.5 साल पहले मेरे को बताया इसके बारे में, तो पहले दिन से मेरे माइंड में क्लिक किया कि क्यों ना अगर इसको मैं करूं। 10 साल जो नौकरी में रहकर भी मैंने पैसा इकट्ठा नहीं कर पाया, मैं बहुत बड़ी रकम जो एक चाहिए दिल में जी, इससे मैंने देखा कि बहुत ही कम समय में मैं यहां से बहुत कुछ अचीव कर सकता हूं। और मैंने सबसे बड़ी बात है सर, इसमें कंसेप्ट में आने के पीछे पैसा तो होता ही अपनी जिंदगी में, लेकिन इस इंडस्ट्री में सर अपने इस सिस्टम के अंदर मान सम्मान और दूसरी चीजें दुनिया देखने के मौके जो मिलते हैं वो शायद कहीं नहीं मिलते। चलिए आप तो आए आए साथ में, मैम भी आपके साथ बिजनेस कर रही हैं, आप भी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं मैम, आपने क्यों डिसाइड किया? चलिए आप पुरुष प्रधान हैं, फील्ड में निकलना, तेल साबुन शैम्पू बेचना समझ में आता है, आपने ये काम शुरू कर दिया, स्टैंडर्ड आपने नहीं देखा अपना कि हमारा लेवल क्या है, लोग क्या कहेंगे, ये आपने नहीं सोचा और आपने शुरू कर दिया? स्टैंडर्ड तो इससे शायद इंक्रीज ही होगा, हमेशा बढ़ेगा जी। ये सब देखने का नजरिया है कि हमने यहाँ से क्या देखा जी, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जैसे मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो वहां से फिक्स सैलरी है आप, हाँ जी, और उसमें आपको पूरा खर्चा चलाना है, सपने भी पूरे करने हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल मैं ये मानती हूँ खर्चा तो चल सकता है लेकिन सपने पूरे नहीं हो सकते, सपने पूरे नहीं हो सकते बिल्कुल। आपने जो भी सोचा है, कुछ लेना है, महंगी गाड़ी में बैठना है या लग्जरियस लाइफ जीनी है, तो वो नहीं पॉसिबल।